हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल। एक्सेल में कुछ फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक्सेल, जिसकी रन कमांड है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसमें थोड़ा सा मैं डेटा बना लेती हूँ। अब हम निकालेंगे फॉर्मूले से इनका टोटल। ये तो बन गया हमारा डेटा, अब हम करते हैं टोटल। तो टोटल कैसे करना है? सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन किया। तो ये जो ए बी सी डी लिखे होते हैं हमारे होते हैं कॉलम्स, और 1 2 3 जो लिखी होती है रो। तो हमारा जो मैथ है वो है सी कॉलम में, और उसका रो नंबर है 2। तो सेल का नंबर हुआ C2। तो हमने लिखा C2 कोलोन। कहाँ तक करना है? तो सेम वही, कॉलम का नेम E और रो का नेम 2, E2 तक। ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो ऐसा निकला है टोटल। अब सेम चीज अगर आपको करना है, जैसे यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, C3 का निकल आया, पेस्ट किया, इसका निकल आया। अगर पेस्ट करने में आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप सिंपल से यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए, आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये था टोटल हमारा। अब अगर हमें निकालना हो परसेंटेज, तो हम देखेंगे एवरेज। ब्रैकेट ऑन किया, लिखा एवरेज। ब्रैकेट ऑन किया, हमने लिखा एवरेज। कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? तो C2 से E2। ब्रैकेट बंद किया हमने और एंटर कर दिया। इसको भी बाकी का हमें निकालना है, तो हम ऐसे ट्रैक कर देंगे। ये निकल आई हमारी परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के और भी तरीके होते हैं, सम भी निकालने के और तरीके होते हैं, जो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। पहले एक स्टेप हम सीख लेते हैं। अब इसके बाद हमने निकाला रैंक, इक्वल टू रैंक, ब्रेकेट ऑन किया। टोटल को हम लेकर निकालते हैं, परसेंटेज को लेकर भी आप निकाल सकते हो, कॉमा, फिर इन सब से कंपेयर करना है इसको, देन ब्रेकेट क्लोज, एंटर। सेकेंड रैंक, अब अगेन हम निकालेंगे रैंक, कॉमा एंड ब्रेकेट बंद, एंटर। अब हमें निकालना है ग्रेड। लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ऑन, टोटल को हमें लेना है ग्रेटर देन। अब हमारा टोटल जो है 300 का है, यानी कि 100 पर सब्जेक्ट है, तो 300 हुआ। तो हमने इसको लिख दिया कि अगर हमारा 270 से अबव है तो ग्रेड आए ए, कॉमा, इफ, ब्रेकेट ऑन किया, हमने इसको सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन, 230 से ज़्यादा है तो ग्रेड बी आए, कॉमा, इफ, अगेन से हमने ऑन किया, ग्रेटर देन, F2, ग्रेटर देन। अब हमने इसको कहा अगर 170 से ज़्यादा है तो ग्रेड हमारा सी आए, इफ, ग्रेटर देन, 130 से ज़्यादा है तो ग्रेड डी आए, अगर इससे भी कम है तो वो वहाँ पर लिख कर आ जाए हार्ड वर्क।
अब जितनी बार हमने ब्रेकेट ऑन किया उतनी बार हम इसको क्लोज करेंगे, देन एंटर। देखिए ग्रेड बी आ गया। अब हम इसको ऐसे सिंपली ड्रैग कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे ग्रेड बी आ गया सबका, लेकिन अभी यहाँ पे ग्रेड बी आ रहा है। अगर आप चेंजेस करते हैं कुछ, मैंने 99 99, देखिए ग्रेड वन हो गया। इसमें भी अगर आप किसी में चेंजेस करते हैं, देखिए ग्रेड सी आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारा राइट है। अगर रॉन्ग फॉर्मूला होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस नहीं होते। तो ये थे सिंपली कुछ मार्कशीट बनाने के फॉर्मूले। आप टोटल कई तरीके से निकाले जाते हैं, जैसे सम। आप एक तो मैंने तरीका आपको बता दिया, दूसरा ये है कि अगर आपको लिखना है 4 + 6 + 4 + 3, देन एंटर, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको डेटा में से किसी किसी का नंबर टोटल करना है, सबका टोटल नहीं करना, तो आप सिंपल लगाएंगे इक्वल टू, क्लिक करेंगे, देन प्लस, अगेन क्लिक, देन प्लस एंड सेलेक्ट, देन एंटर। तो ये सिंपली निकल आएगा किसी किसी का। ऐसे ही अगर आपको डिवाइड करना है तो सिंपली जैसे हमने लिखा 50 / 3, एंटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं 50 / 5, एंटर, इस टाइप से। और ऐसे इंटू करना है तो जैसे 68 × 7 87 हमने दिया, देन एंटर। और सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं 53 × 5, इस टाइप से। सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे माइनस, एंटर। देखिए -28 वैल्यू आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं 40 - 30, ये भी वैल्यू आ गई। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड हो गए। और हमने बताया आपको एवरेज, रैंक एंड ग्रेड। जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, इसका एक और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट, देन वैल्यू 23, 5, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले, यानी जो हमारे मार्कशीट में यूज होते हैं। ऐसे ही और फॉर्मूले जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।